राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खेमेबाजी चरम पर है। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करेगी। वैसे तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी तरह से समर्पित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें गहलोत और पायलट दूर दूर बैठे दिखाई दिए और दोनों नेताओं ने आपस में बात भी नहीं की। वहीं सचिन पायलट मीटिंग खत्म होने से 30 मिनट पहले ही वहां से निकल गए। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद पहली बार दोनों नेता किसी इवेंट में एक साथ दिखे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब 21 सीट पर सिमट गई थी, हमें उस समय भी सभी वर्गों से सहयोग मिला। राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा के लोग विचलित हैं, वो यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसके जरिए राहुल गांधी लोगों की बात सुन रहे हैं। राजस्थान में भी यात्रा सफल होगी। सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरे, ये हम सबकी कोशिश भी है। भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कलहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत होगा।